देखो आज हम क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लिया हूँ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आकृति 6.29 में यदि ए बी समांतरल सी डी है, ए बी सी डी के साथ क्या है समांतरल है, और डी सी समांतरल ई एफ, डी सी समांतरल ई एफ है, तो क्या दिखा और क्या दिया है वाई रेशियो, मतलब वाई अनुपात जेड बराबर 3:7 दिया है, तो आपको क्या ज्ञात करना है एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए इस चैप्टर की क्वेश्चन करने के लिए आपके पास क्या टूल्स है बताओ। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग पढ़े थे क्या, दो लाइन है समांतरल, उसके बाद एक कट करते हैं, तो इस कोण के साथ ए कोण क्या होते थे बराबर, और ए वाली कोण के साथ ए वाली कोण क्या होते थे बराबर, और ये दोनों मिलके क्या होते थे 180। इतना ही तो कॉन्सेप्ट था ना, अब वही चीज इसमें लगाते हुए चलेंगे उसके बाद आ जाएगा। तो देखो क्या दिया है हमको, इसका हल करते हैं। दिया हमको क्या है बताओ, दिया है देखो ए बी समांतरल क्या है सी डी, तो ए बी सी डी की समांतरल देखते हैं पहले, ए बी सी डी के साथ समांतरल है। ठीक, तो बताओ एक्स और वाई मिलकर कितना होने वाले हैं 180, ये एक चीज मिल रहा है, और एक्स के साथ यहां पे कोई एक एंगल दे दूं मैं वन नाम दे दूं, तो एक्स के साथ वन क्या हो जाएगा बताओ बराबर हो जाएगा। ठीक ना, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, एक्स कोण बराबर क्या हो जाएगा वन, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको हिंदी में क्या लिखोगे, अल्टरनेट मतलब एकांतर अतः कोण, क्या लिखोगे यहां पे एकांतर अतः कोण। ठीक, अब देखो एक्स के साथ कौन बराबर हो गए वन हो गया, अब वाई और वन मिलके कितने होंगे 180। अब हम फिलहाल ये जो कंडीशन हमको दिया था उसमें से मैं क्या निकाल लिए, एक्स एक के साथ बराबर है, इसको समीकरण वन मान लिया मैं। ठीक, फिर देखो और क्या दिया है, देखो सी डी ई एफ के साथ क्या है, सी डी समांतरल क्या है ई एफ। ठीक, बताओ दोनों लोग समांतरल है, और देखो ये ट्रांसवर्स कौन काम कर रहा है, यही वाली रेखा, तो ये एंगल के साथ ये एंगल क्या हो जाएंगे बराबर, ये इसको हम टू नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया टू, तो टू के साथ जेड क्या होगा बताओ बराबर, तो हम क्या लिख सकते हैं एंगल टू बराबर, एंगल टू बराबर जेड, एंगल जेड, तो एंगल टू बराबर एंगल जेड मैंने लिखा। ये भी क्या रीजन है, यही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखोगे। इतना दूर तक समझ में आ गया कि नहीं, इतना दूर समझ में आ गया ना। इसके बाद देखो यहां पे दो और एक आपस में क्या होगा, एक और दो क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, क्योंकि देखो ये रेखा और ए रेखा काट किया कहां पे, यहां पे एक के साथ दो क्या है शीर्षाभिमुख कोण है ना, एक और दो क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, तो एक और दो क्या मिल गया मेरे को, चलो यहां पे हम इसको रफ कर देते हैं, एक और दो क्या मिल गया बताओ, कोण एक बराबर कोण दो, क्या रीजन लिखोगे शीर्षाभिमुख, हम इंग्लिश में लिख रहा हूं ऑपोजिट वर्टिकल एंगल, ऑपोजिट वर्टिकल एंगल, आप लोग हिंदी में लिखिएगा क्या शीर्षाभिमुख कोण के वजह से मैंने ये दोनों को बराबर ले लिए। तो देखो अभी देखो हमको जो दिया है उसमें जाइएगा, जेड के साथ कौन ए, वाई के साथ जो जेड अनुपात दिया है ना, तो वाई यहां है यहां पे जेड है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जेड को कहां पे लेके आना पड़ेगा इस जगह पे। ठीक, तो बताओ एक के साथ कौन बराबर हुआ, दो के साथ जेड बराबर था, तो कहने का मतलब ये टू बराबर मतलब कौन है जेड ना हुआ, अब फिर टू एक के साथ बराबर है तो टू मतलब कितना था जेड, तो एक बराबर तब कितना हो गया, ये समझ में आया कि नहीं, फिर दोबारा बता दे रहा हूं, दो के साथ कौन बराबर था जेड, तो दो क्या हो जाएगा जेड, अब दो के साथ एक क्या था बराबर था, तो दो जब जेड हो गए एक भी क्या बन जाएगा जेड, ये समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। आप देखो इस जगह पे देख लो, इतना सा
ये बताओ वाई प्लस जेड मिलके कितने होने वाले हैं? 180। तो हमको दिख जा रहा है क्या फिगर पे, वाई प्लस जेड, वाई एंगल प्लस जेड एंगल बराबर मिलके कितने होंगे? चलो वाई जेड दिया है ना, एंगल देने की जरूरत नहीं, खाली वाई बोला है तो वाई लिख लो प्लस जेड लिख लो, बराबर कितनी है? क्यू लिखोगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हिंदी में लिखोगे, लीनियर मतलब रैखिक, पेयर मतलब युग्म, एंगल मतलब कोण, रैखिक युग्म कोण के वजह से मैंने क्या लिख दिया 180। अब बताओ y और z की मान पता है क्या? लेकिन एक अनुपात पता है मेरे को, y और z की अनुपात पता है, तो अनुपात से निकालने की तरीका क्या बता दिए थे मैंने कल? अनुपात से निकालने की तरीका बताए थे, देखो हमको दिया क्या है, y अनुपात z बराबर कितना दिया है, 3:7। तो y कितने हो जाएंगे, 3x या फिर 3 के कुछ भी मान सकते हो, चलो 3x ही मान लेते हैं। z बराबर क्या हो जाएंगे, 7x। ये समझ में आ गया? अब देखो y की मान पता चल गया, z की मान पता चल गया, तो इस जगह पे क्या करोगे, कहां पे था इस जगह पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो y के जगह में कितना लिखोगे, y के जगह में 3x प्लस z के जगह में कितना लिखोगे, 7x बराबर कितना हो गया, बताओ ये कितने हो जाएंगे, 10x इक्वल्स टू, तो x बराबर तब कितना होगा, 180 बटे में, तो कितना आया, 18 डिग्री आया कि नहीं, किसका मान आया, हमको x फाइंड करने के लिए बोला था क्या, बताओ ये x पता करने के लिए बोला था ना, तो एक काम करो यहां पे x मत लो, क्वेश्चन में x था तो एक काम करिए यहां पे x नहीं लेकर के k ले लो, क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, हाँ नहीं तो गलती हो जाएगा, क्या बोला समझा, ये x नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, समझे हो कि नहीं, तो यहां पे भी k कर दो, ऐसे क्यों किया समझा, ये क्वेश्चन में मेरे को x दे दिया, x दिया नहीं रहता तब हम x मानते हैं अनुपात से निकालने के लिए, तो कोई गलत नहीं होता, ठीक। अब देखो k कितना आ गया, लेकिन हमको पूछ रहा है क्या x का मान, तो उसके लिए हमको किसका मान पता होना चाहिए, z या फिर y, y भी पता चल जाएगा, तो 180 से y का मान माइनस कर देंगे, x की पता चल जाएगा, z का निकाल लेंगे तो z के साथ बराबर हो जाएगा, तो z कितनी हो रहा है बताओ यहां पे, 7 × 18 डिग्री, तो कितने होंगे, 126 डिग्री होगा ये, और यहां पे जब पुट करोगे 3 × 18 डिग्री कितना हो रहा है, 54 डिग्री, ठीक ना, तो देखो y का मान कितना आया, 54, तो y बराबर हमारा कितना बन गया, तो x कितने होंगे, 180 से 54 को माइनस कर दो तो कितने बन जाएंगे, 126 डिग्री। ये दोनों की रिलेशन क्या बोले थे, x और y क्या है, आपस में 180 होते हैं, तो y हमको कितना पता चल गया, 54, तो 180 से 54 को घटाओगे तो 126 डिग्री होंगे। अब z की मान कितनी आ चुकी है बताओ, 126, तो z बराबर हमारा कितना आया, 126 डिग्री। अब z के साथ x क्या है, बराबर ना है, एक अंतर कोण, तो ये भी 126, ये भी 126, किधर से भी जाओगे आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं, yes, बस।